दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को प्रवेश समिति की बैठक प्रशासनिक भवन की कमेटी हाल में कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जून से किया जा सकेगा। प्रवेश के लिए निर्देशिका भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक निश्चित की गई है। आपको बता दें, स्नातक और परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि कोरोना के दृष्टिगत सावधानी बरतते हुए इस बार विश्वविद्यालय ने प्रवेश की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया है, जिससे संबंधित निर्णय पूर्व की बैठक में लिया जा चुका है। प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण, प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर विजय कुमार, परीक्षा नियंत्रक लेखाधिकारी सहित समस्त संकायों के अधिष्ठाता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, सदन के समक्ष ये भेजी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें कम अगर कोई सुधार हो, संशोधन हो या कोई विचार रखना चाहे स्वागत है। कई जगह इसमें जरा सेवरल टुकड़ों को ठीक कर दी जाएगी, तरह की जो जंगल की टुकड़ियाँ हैं वो ठीक कर दी जाएंगी। इसमें जैसे कि राजनीति शास्त्र के हेड साहब ने यह सजेस्ट किया कि राजनीति शास्त्र में राजनीति विज्ञान होना चाहिए, तो वो करेक्शन कर दिया गया। कई जगह और भी गलतियाँ हैं, वो मैंने पॉइंट आउट कर लिया है, वो ठीक कर दिया है। जो चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है कि स्नातक वाले अगर चले तो स्नातक में सर क्योंकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं होनी है, उन चार में BA में, BSc मैथमेटिक्स में, BSc राजनीति में और डी का। इसके अतिरिक्त जितने कोर्सेज हैं उन सबके लिए संयुक्त परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी और इन्हीं महाविद्यालयों के लिए ही विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। साइंस की तरह आर्ट्स में भी बना ली जाए तो प्रदेश में भी ठीक होगा और सभी के लिए अच्छा, थोड़ी सा थोड़ा प्रयास करें क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि हम लोग का क्राइटेरिया कैसे बनेगा और उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उसके क्लासरूम्स की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। प्रतियोगिता प्रधान परीक्षा के आधार पर वही पर और जो जिसमें ग्रेजुएशन है उनको PG के साथ है। आज हमारे विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक और एक बैठक कुछ एक हफ्ते पूर्व हुई थी, जिसमें हम लोगों ने प्रवेश से संबंधित रणनीति बनाई।
वाली थी, आज उसको फाइनल टचे देना है और ब्रोशर जो है हमारा फाइनल हो गया है और आज इसके अप्रूवल के बाद समिति के द्वारा शीघ्र ही हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करना शुरू कर देंगे बच्चों से। बच्चे घर बैठे बैठे ऑनलाइन परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश का शुल्क हम लोगों ने पहले ही घटा दिया है, 20% का घटोतरी करने के बाद बच्चों के आर्थिक दृष्टि से देखते हुए यह वित्त समिति ने भी निर्णय लिया कि बच्चों की फीस इस साल कम किया जाए, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय से जो छात्र हैं वह अधिकतर निर्धन परिवारों से आते हैं और मजदूरों के बच्चे हैं, गरीबजनों के बच्चे हैं, तो उनको सुविधा को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने स्रोतों से कटौती करते हुए 20% का एडवांटेज फीस में बच्चों को देने की घोषणा कर दी है और हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म 2 या 3 दिनों के बाद शुरू कर देंगे, संभवतः 6 या 7 दिन से, और 20-25 दिनों तक बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार प्रवेश परीक्षा जो करा रहे हैं सिर्फ हम विश्वविद्यालय केंद्र के विश्वविद्यालय जो हमारे अध्ययन के अंदर एडमिशन होते हैं उन्हीं के लिए करा रहे हैं। जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिशन होता था बच्चों के लिए जिसमें सारे डिग्री कॉलेज भी होते थे, इस बार कोरोना के इफेक्ट को देखते हुए वह व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है और परीक्षा भी गत वर्ष ऑनलाइन कराई गई थी, इस वर्ष ऑनलाइन न करा करके हम पेपर मोड में ओमार से परीक्षा कराएंगे। लिमिटेड केंद्रों पे होगा, गुरु विश्वविद्यालय में भी एक केंद्र होगा जहाँ पे हम ओमार के माध्यम से प्रवेश परीक्षा करा सकेंगे और हम शीघ्र ही 2 या 3 दिनों के अंदर उसकी तिथि घोषित कर देंगे, वेबसाइट से भी बच्चे देखते रहे।